पॉम पॉम बनाने के लिए आप दो उंगली पर ऊन को ऐसे लपेट लीजिएगा और फिर उंगली से निकाल कर आप इसे छोटा सा ऊन लेकर कस के बांध दीजिएगा। इस तरह से टाइट से बांधिएगा तो मेरा ये पॉम पॉम खुलेगा नहीं और अच्छा बनेगा। फिर इसको हम सीजर से ऐसे कट कर लेंगे। देखिए देखिए ये छोटा पॉम पॉम बनकर मेरा तैयार हो गया। देखिए सेकेंड फर्स्ट वाले डोरी को इधर रखेंगे और सेकेंड वाले डोरी को इधर रखेंगे, फिर इस तरह से उंगली रखेंगे, फिर इस तरह से हमको ऐसे करना है, फिर उंगली पर से उतार कर हमको इस तरह से करना है, फिर इस सेकेंड वाले धागे को फिर से हमको इसके अंदर से ऐसे करना है, फिर ये फर्स्ट वाले को ऐसे खींचना है, फिर इस तरह से हम उंगली पर से उतार लेंगे, फिर ये फर्स्ट वाले को इस तरह से इस छेद से हमको निकालना है, फिर इस सेकेंड वाले से हमको इस तरह से खींचना है। देखिए फिर इस तरह से उंगली पर से उतारेंगे, फिर इस तरह से फर्स्ट वाले से हमको इस तरह से डालकर और इस धागे से इसे टाइट करना है। देखिए तो मेरा अनंत बन जाएगा। और आप लोगों को इसमें और मोटा बनाना है तो चार बार ऊन को दोहरा लीजिएगा, और कोई भी आपके घर में ऊन उपलब्ध हो या धागा उपलब्ध हो रील के धागे से भी और रोली मोली के धागे से भी हम अनंत बना सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स कुछ इस तरह से बन रहा है, इस तरह से फिर हम उतारेंगे और ये फर्स्ट वाले से लाइट वाला भी ऊनी हो आपके पास तो उससे भी काम चल सकता है, जरूरी नहीं है कि हम प्लेन ही ऊनी का उपयोग करें, ये भी बनने के बाद बहुत सुंदर लगेगा। देखिए इस तरह से बहुत ही आसान है, अगर आप लोग एक बार में नहीं समझे होंगे तो दोबारा वीडियो चलाकर स्थिर से देखिएगा तब ज़रूर समझ में आ जाएगा। देखिए एक बार हमको इससे बनाना है और एक बार सेकेंड वाले धागे को इस छेद के अंदर से हमको ऐसे 28 बार दोनों धागे को मिलाकर 28 बार करेंगे तो ये 14 गांठ बन जाएंगे। देखिए
देखिए बन रहा है। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, अगर कुछ आपको समझने में दिक्कत हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स, और एक दूसरे को शेयर ज़रूर करिएगा। अभी अनंत बहुत लोगों की ज़रूरत है बनाने के लिए। देखिए कुछ कुछ बनने लगा है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो ऐसे ही आप पूरा करिए, और पूरा करके मैं बताती हूँ कि आगे हम पॉम पॉम कैसे लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स मेरा आधा बन गया है, और दो चार बार करना है तो मैं आपको फिर से बता रही हूँ। आप शुरू में एक गांठ बांध लीजिएगा, फिर इस तरह से धागे को अलग अलग कर लीजिएगा एक साइड और दो साइड, फिर इस उंगली को सीधा करके इस उंगली पर रखना है हमको, और इस तरह से इसके अंदर से हमको धागा ऐसे करना है, और ये दूसरे वाले को ऐसे टाइट से खींचना है तो ये बन जाएगा। फिर इस तरह से हम उंगली पर से उतारेंगे, और फिर इस तरह से सेकेंड वाले धागे से हम इस तरह से करेंगे, तो एक बार मेरा इस धागे से बनेगा इस कलर से, और एक बार इस कलर से बनेगा। तो ये डिज़ाइन बहुत ही सुंदर लगता है, आप चाहें तो एक ही भी कलर में बना सकते हैं, जो कलर मन हो। देखिए ज़रूर समझ गए होंगे आप लोग, देखिए कुछ कुछ बनने लगा है, अब पूरा हो गया है लगभग। तो आगे आपको चोटी अगर बनानी आती ही होगी ज़रूर, तो आप इस ऊन को तीन भाग में बांटकर चोटी बना लीजिएगा। बहुत से लोगों को अगर चोटी नहीं पसंद होगा तो ऐसे ही धागे को रखिएगा। देखिए बन गया है, सुंदर लग रहा है बनने के बाद। तो देखिए फ्रेंड्स ये बन के तैयार हो गया है मेरा अनंत, देखिए। और इसमें हम आपको पॉम पॉम सेट करना बताएंगे। तो इस तरह से आप सुई में एक धागा लगाकर आप पॉम पॉम को ऐसे कर लीजिएगा, और फिर यहाँ से हमको इस धागे से हमको सिलाई कर लेना है। आप चोटी पसंद होगा तो आप चोटी बना लीजिएगा, बहुत से फ्रेंड को चोटी पसंद नहीं है तो चोटी नहीं बनाइएगा। और इस तरह से इस छोर के अंत में इस पॉम पॉम को हम सुई की सहायता से सिल लेंगे, देखिए।